आज का दिन और स्ट्राइक आलैंड में जैसे वहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है। हाँ ब्रेंडा, सिर्फ 30 मिनट बीते हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने गेम पर कब्जा कर लिया है। हे शेक, अच्छा गोल था एक नंबर 2 स्ट्राइकर के लिए। हाँ वाकई में काफी अच्छा था तुम्हारे आसान से गोल के मुकाबले। बहुत हुआ, अब सबसे ज्यादा गोल बनाने वाला जीतेगा। हे रुक जाओ, मिनट चल रहा है और फाइटर और शेक दोनों एक हैट्रिक बना चुके हैं। सॉरी डूड, पर इसे खत्म करने का वक्त आ गया। और देखो वो रहा शेक का सिग्नेचर मूव द नकल बॉल। तो सुपर स्ट्राइकर्स के सामने कभी खेलना नहीं चाहूंगी। हाँ, टेक्निकली वाले तो अभी थर थर कांप रहे होंगे। ऐसा तुम सोचते हो? क्या है सोच? वो जिसमें मैं माहिर हूँ और वो जो मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूँ पॉल। तो पहला फेज कैसा जा रहा है पॉल? क्या है पॉल? वो तुम हो, positioned apparatus for understanding likely move. Oh, अच्छा, क्या है positioned apparatus for understanding likely move? तुम्हारी हार्ड ड्राइव में शेक और फाइटर के घंटों का गेम फुटेज स्टोर किया गया है। तुम उनकी हर हरकत एनालाइज कर सकते हो, उनका हर मूव भांप सकते हो और टेक्निकली को जिता सकते हो। टोनी, क्या आप अंदर हैं? आ गए। उन्हें बुरा लगता है जब मैं रूल्स तोड़ता हूं। यस वेल टोनी, एक हफ्ते में हमारा सुपर स्ट्राइकर से मुकाबला है और हम सोच रहे थे अगर हम कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से बेनेडिक्ट बी ब्रैडली शेक और फाइटर का सामना करने को लेकर थोड़ा डरा हुआ है। क्या है प्रैक्टिस? अभी नहीं पॉल। हे, वो कौन है? तुम्हारा नया टीममेट, एक टैलेंटेड गोलकीपर। पॉल हे, उसका पूरा नाम क्या है? पॉल पीट बॉडी पेंबर प्लंबर। मेरे पास बेकार वक्त नहीं है, अब जाओ और वो करो जो तुम यहाँ करते हो। मुझे उस नए प्लेयर का सुपर लीग कार्ड चाहिए। मेरे पास हो तुम, बेनेडिक्ट बी ब्रैडली, थैडियस थरिंगटन द थर्ड और मेरे अपने 10 कार्ड। कितना लकी हूं ना मैं। ओह कम ऑन, और जॉन जे जॉनसन जूनियर कार्ड्स, ये तो चीटिंग है। हर पैक में ऐसे 5 कार्ड्स निकलते हैं। ठीक है बॉयज, टेक्निकली इस वीकेंड पर। तो कोच, क्या आपको वाकई प्रैक्टिस में हम सबकी जरूरत है? वैसे भी ये दोनों ही सारे गोल्स करने वाले हैं। वो अच्छे फॉर्म में है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तुम सब आराम कर सकते हो। सुना ब्लॉक और शॉ? इस वीकेंड कोई आखिरी पल का लकी शॉट तुम्हें नहीं बचाएगा शेक। अगर तुम्हें सच में मेरे जितने गोल्स करने हैं फाइटर, तो मैं तुम्हें नकल बॉल मूव करना सिखा सकता हूँ। मुझे नहीं सीखना है तुम्हारा बेकार दिखावे वाला अजीब सा मूव। मेरे अपने काफी अच्छे मूव्स हैं। ठीक है जानता हूँ, दोस्तों के बीच मुकाबला अच्छा होता है, बस याद रहे इसमें ज्यादा बहक मत जाना। हाँ? Oh.
नहीं छोड़ूंगा डूड, मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। मीको चैन पासिंग 86, वेरी गुड, पर इससे अच्छा नहीं रियानो 89। ठीक है मेरी बारी। फाइटर अटैक 94, कब्लाम। तुमने सुना ना शेख, मेरे सुपर लीग कार्ड का अटैक स्कोर है शेख अटैक 95। क्या ये कैसे हो सकता है? नकल बॉल। टोनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करेंगे। तो हम बाहर पिच पर जाएंगे और चाहे जो हो जाए हम सुपर स्ट्राइकर्स के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है पॉल, चलो काम शुरू करें। टोनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये लो पॉल, एक नई चमचमाती स्टेट ऑफ द आर्ट सिंथेटिक आंख। तो तुम्हें नजारा कैसा लग रहा है? क्या है नजारा? मेरे अगले फेज पर काम करने तक बंद हो जाओ। क्या है बंद हो जाओ? जॉन जे जॉनसन जूनियर अटैक 35। हे, मेरा शेक कार्ड कहाँ है? एक पॉइंट और वो भी बस उस बेकार नकल बॉल की वजह से। हेलो टोनी। ठीक है पॉल, अब मेरे प्लान के आखिरी फेज को आजमाया जाए। वाह, वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्टेबल है। वो क्या है? जॉन जे जॉनसन का एक बेकार कार्ड। वो बुद्धू जरूर यहां जासूसी कर रहा होगा। पॉल, टारगेट की पहचान जारी। टारगेट शेक। यस, ये काम करता है। क्या काम करता है? चुप हो जाओ, बीच में टांग मत अड़ाओ। टोनी तुम तो जीनियस हो। हप पप 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 हार जाएंगे सुपर स्ट्राइकर्स, हम जीतेंगे सुपर लीग। प्रैक्टिस करेंगे सब, पॉल को छोड़ो अब। प्रैक्टिस करेंगे सब, पॉल को छोड़ो अब। ये तुम सब क्या कर रहे हो? अब बहुत हो गया आपका पॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। टोनी प्रैक्टिस करेंगे सब। अरे बेवकूफो, पॉल तो एक सब
पॉल को छोड़ो। पॉल तो एक क्या? पॉल तो बहुत बीमार है। बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, जम गया है और हिल ही नहीं रहा। तो टोनी, इसका मतलब अब मैं खेलूंगा ना? शायद पॉल भी यही चाहता। मेरे ख्याल से तुम्हें उसके लकी ग्लव्स पहनने चाहिए। अब चलो बाहर जाओ और गेम जीत कर दिखा दो पॉल के लिए। इतनी जल्दी नहीं जॉन जे जॉनसन जूनियर। मुझे कल रात पिच पर ये मिला। तुम वहां बाहर क्या कर रहे थे? तुमने वहां क्या देखा? तुमने कुछ नहीं देखा, समझे? एक शेक कार्ड? वाओ, ये तो बहुत ही रेयर है। तो तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा नहीं है? मुझे पता है कि तुम इन्हें रखते हो। मैं नहीं था टोनी, मैं कभी एक सुपर लीग कार्ड नहीं खो सकता। तो ये मैं रख सकता हूँ? जरूर, लो रख लो। ठीक है, कोई हिलना नहीं। हमारा शेक कार्ड गायब हो गया है। ब्रागल, ब्रागल, ब्रागल। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बस रिकॉर्ड्स जमा करता हूँ। और मैं भला एक शेक कार्ड लेकर क्या करूंगा? ठीक है, मैंने लिया था। मैं कल रात यहाँ प्रैक्टिस करने आया था और शायद मैंने ही उसे पिच पर गिरा दिया होगा। तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? नकल बॉल बिल्कुल नहीं शेक। ओ अच्छा, तो फिर मेरा कार्ड क्यों ले गए थे? क्योंकि बस तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे और अच्छा खेलने का जोश आ जाता है। कम ऑन डूड, शायद वो कार्ड अब भी वहाँ हो। हे, तुम्हें वो कार्ड कहाँ से मिला? टोनी ने मुझे दिया। देखो, बुरा मत मानना डूड, पर वो कार्ड हमारा है। ये साबित कर सकते हो? नहीं। चलो ठीक है, मैं इसे एक बॉल कार्ड के बदले दे दूंगा। एक किसका कार्ड? बॉल, हमारा नया गोली। वो दिखने में कैसा है? वो पता नहीं, वो सारा वक्त टोनी की लैब में ही रहता है। लकी। क्यों ना उस एक शेक कार्ड के बदले मैं तुम्हें दे दूं 20 जॉन जे जॉनसन जूनियर कार्ड्स। बुद्धू। बुद्धू। ठीक है, तुम शेक और फाइटर का सामना करने को तैयार हो पॉल? हाँ। सच्ची? हाँ, मैं तैयार हूँ। कोई सवाल नहीं है? नहीं, कोई सवाल नहीं। हा, अब देखना ताकत इस पूरी तरह से तैयार पॉल की। गेम शुरू। टेक्निकली वालों की एक अच्छी शुरुआत। अटलॉक ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। ओह, अब सुपर स्ट्राइकर का टॉर्चर अटैक। तुम ये कर सकते हो बेनेडिक्ट। टोनी को तुम पर भरोसा है, पॉल को तुम पर भरोसा है। टाइगर ने बॉल पार की, शेक वहीं पर है। टारगेट शेक, मूव की पहचान जारी। जाने पहचाने मूव्स, स्कॉर्पियन किक, नकल बॉल, बाइसिकल किक। मूव पहचान ली, बाइसिकल किक। क्या शॉट है? शेक का गोल रोक दिया बेनेडिक्ट बी ब्रेडली ने। ये तो वाकई में लकी ग्लव्स हैं। शीश, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। खुद से ये बात कहते रहो शेक, और मैं सारे गोल्स करते रहूंगा। आ, 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 आ,
अब वक्त आ गया है अकल और नकल एक साथ लाकर गोल करने का फाइटर। मुझे तुम्हारे मूव्स की जरूरत नहीं शेक, ना ही तुम्हारे दानों की। कुछ काम नहीं आया, सभी टीममेट्स हार चुके हैं, खास करके शेक। अब बस एक ही मूव बचा है, द नकल बॉल, नहीं द नक एल बॉल। उसने शूट किया। पर ब्रैडली इसे समझ नहीं पा रहा, वो एक जगह जम गया है। ओह, इतना करीब। शेक कोशिश करने जा रहा है, पर लो बज गई हाफ टाइम विसल। ये क्या? बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। क्या तुम सबने वो देखा? बेनेडिक्ट के गोली ग्लव्स? शायद मैंने उन्हें खुद हिलते हुए देखा। जो तुम होश में तो हो शेक, शायद तुम बस स्कोर ना करने का बहाना दे रहे हो। तुमने भी स्कोर नहीं किया। वो बात अलग है। जागल, जागल, जागल। हाँ, उन्हें बेनेडिक्ट बी ब्रैडली का सुपर लीग कार्ड अपडेट करना चाहिए। उसका तो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कोर होना चाहिए। समझ में नहीं आता टोनी वर्न ने नया गोली क्यों रख लिया। कौन नया गोली? हाँ, कोई पॉल नाम का बंदा। जरा सोचो, जो खेलने ही नहीं आया वो कितना बेकार प्लेयर होगा। सुना है वो बस टोनी की लैब में ही रहता है। हेलो पॉल, तुम यहाँ हो? क्या है यहाँ? इस कमरे में मेरा कोर हार्डवेयर यहाँ पर है। पॉल, क्या तुम एक कंप्यूटर हो? मैं हूँ एक पोजीशन अपराटस फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइकली मूव। हाँ, समझ गया। क्या है समझ? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि ब्रैडली को उसके ग्लव्स कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ। वो सब एक सुपर कंप्यूटर से लिंक्ड है जो हमारे मूव्स भाप सकता है। तो उस कंप्यूटर ने क्यों नहीं भापा मेरा नक एल बॉल? ब्रैडली एक जगह पर जम गया था। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा मूव था ही नहीं। लेकिन वो नक एल बॉल नहीं था, वो था नक एल बॉल। दोनों बिल्कुल अलग है। जरा सोचो, पॉल ने मुझे मेरे मूव्स और तुम्हें तुम्हारे मूव्स करते हुए भांप लिया, और वो फाइटर को तुम्हारा मूव करते हुए नहीं भांप पाया। एग्जैक्टली। तो हल एकदम आसान है, शेक फाइटर को नकल बॉल सिखाएगा। मैं नहीं सीखूंगा। चलो भी, टीम के लिए कर दो। फैंस के लिए, बैच के लिए। इसे शेक को हराने का इकलौता मौका समझ कर ही कर दो। तुम्हारी बारी दोस्त। पर ये तो एक चाल थी। फाइटर दौड़ता हुआ बॉक्स के अंदर आ रहा है और टारगेट की पहचान शुरू। टारगेट फाइटर, जाने पहचाने मूव रेनबो, एल टोरो, हील किक। मूव नहीं मिला, मूव नहीं मिला। अब इसे भापो। मैंने कर दिया। मैंने कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने कर दिया। बहुत अच्छे दोस्त, तुम ये राउंड जीत गए। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये ड्रॉ हुआ है। बिना मदद के कभी गोल नहीं होता है। इतना सारा पैसा बर्बाद किया एक बेकार घटिया मशीन पर।
टारगेट टोनी वर्न, जाने पहचाने मूव्स, इन्वेंट करना, हारना, गलत फैसले लेना। मैं तुम्हें एक वैक्यूम क्लीनर बना दूंगा बेकार टिन के डिब्बे कहीं के। आगे का एक्शन अपनी रक्षा करो। ये क्या हो रहा है? क्या? आओ बस करो, मेरी दाढ़ी छोड़ो। टैक्टिकल डिवीजन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। या नाइन, तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के मेन प्लेयर का पता लगाया? डा, शेक और फाइटर सुपर स्ट्राइकर्स के सारे गोल्स करते हैं। सही कहा ऊपर सर, पर उनमें से 65% गोल सिर्फ एक इंसान की वजह से होते हैं। कौन? क्लाउस। अगर हमने उसे रोका तो सुपर स्ट्राइकर्स के गोल्स बंद हो जाएंगे। और हम ये काम कैसे करेंगे? सबसे अच्छे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके। ऑपरेशन ऑल्टर ईगो। I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause one, two, three, Strikers! Super Strikers! Alpine Hotel में स्वागत है, boys. तुम सब अपने अपने रूममेट जानते ही हो। डिफेंस का बादशाह। या हमें लेफ्ट विंग में रख दो। अरे नहीं, हम राइट विंग लेंगे। ओ हाँ शेक, रूमी पावर। मैं ये नहीं बोलने वाला। चलो भी, मजा आएगा। रूमी पावर। मैं अब भी नहीं समझा मुझे अकेले क्यों रहना होगा। अपने खर्राटे सुन लो फिर समझ जाओ। एक मालगाड़ी जैसी आवाज करता है। सुबह ठीक 6:30 बजे मिलेंगे, लेट मत होना। शेक, 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 उठो शेक, हम लेट हो गए। शेक, क्लाउस तैयार हो गए या नहीं? हम तैयार हैं कोच। थैंक्स दोस्त, आज तो बाल बाल बचे। रूमी पावर। रूमी पावर। इसे कहते हैं रूमी पावर। हे गाइस, एक छोटा इंटरव्यू हो जाए? हाँ जरूर, जैसे तुम कहो। तो फाइटर शेक, पिछले 5 गेम्स में तुम दोनों ने मिलकर 7 गोल्स किए, ये कैसे कर लेते हो? इसका पूरा क्रेडिट मेरे साथियों को मिलता है लीना, पर इसका सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए और थोड़ा सा क्रेडिट शेक को भी। हम फॉर्म में है क्योंकि क्लास फॉर्म में है। हाय, क्या ये वो है? मैं क्लाउस हूँ। मिस्टर क्लाउस, हमें आपका ही इंतजार था। कमाल है क्लाउस बेबी डार्लिंग, तुम आ गए। मैं हूँ विनर हॉट डॉग, तुम्हारा डायरेक्टर। तो क्या तुम बनना चाहोगे टेलीविजन के नए सुपरस्टार?
कैटमैन। ओह वाओ, पर मैं ही क्यों? चलो भी क्लाउस, तुम एक एथलीट हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम कैटमैन के लिए परफेक्ट हो। हाँ शायद। वैसे भी तुम दोनों एक जैसे हो, जन से हीरोज, कमाल के असिस्टेंट्स वाले, कमाल के असिस्टेंट्स वाले। तो पेश है डॉग बॉय। गुड डॉग बॉय। और तुम फनी भी हो, तुम तो कैमरा के लिए ही बने हो। कोच इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। देखो डॉग बॉय, वो रहा हमारा जानी दुश्मन द चकला। उसे चकला क्यों कहते हैं कैटमैन? क्योंकि वो बहुत हंसता है? नहीं डॉग बॉय, क्योंकि हंसकर चीजें फेंकता है। चलो हो जाए कैच बंगा। क्या कलाम तक किया है। तकिया कलाम कहो, तकिया कलाम। तुम अपनी लाइंस याद क्यों नहीं करते डॉग बॉय, क्लाउस की तरह? तो आपका क्या ख्याल है? इसका प्लॉट कमजोर है, कैरेक्टर बड़ा ही अजीब है और एंडिंग पर अभी काफी काम करना बाकी है। हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मेरा मतलब क्लाउस के एक्सपेरिमेंट से था। मैं कुछ समझा नहीं, इसका फुटबॉल से क्या लेना देना है? मैं समझाता हूँ। कैटमैन और डॉग बॉय का होटल एल्पाइन में 2400 घंटे टेलीकास्ट होगा। यार, हर चैनल पर एक ही शो है। हर तरफ क्लाउस को सिर्फ वही दिखेगा। हा? हीरो की तरह। कैटमैन का नाम सबकी जुबान पर होगा। उस कैटमैन जैसा शानदार एक्टर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। ये सब क्लाउस को कैसे रोकेगा? हाँ, ये सब देखकर तो वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर ये ताकतवर होने का झूठा कॉन्फिडेंस ही क्लाउस को लालची बनाएगा। वो ये मानने लगेगा कि वो ऐसा हीरो है जो सब कुछ अकेले कर सकता है। मैं हूँ कैटमैन जिसके पास है कैट प्लान। प्लीज उन कैटमैन को मुझसे दूर करो। ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? शेक और फाइटर को गोल्स मिलना बंद हो जाएंगे और सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिक्र मत करो रूमी, मैं उठ चुका हूँ। शेख, क्लाउस तैयार हो? तैयार है कोच। जल्दी करो क्लाउस, तुम्हारे दांतों को और सफाई की जरूरत नहीं है, उसमें एक भी कैविटी नहीं है। मैंने सही कहा ना? Dudes, कैटमैन का हुनर तो कमाल का है और डॉग बॉय वो तो जैसे मार खाने के लिए ही बना है। वैसे कैटमैन एंड डॉग बॉय ठीक ठाक है, फिर भी अच्छा है। हाँ, पहले 2 घंटे तो मुझे वो बोरिंग लगा, पर तीसरे से मैं दीवाना हो गया। हे, तुम्हें पता है कोच आज सुबह भी राउंड पर आए थे, पर मैंने तुम्हें बचा लिया। तो तुम थे कहाँ? मैं गया था दौड़ने। हाँ, मैं दौड़ रहा था। हम तुम्हारे लिए तैयार है क्लाउस, तुम्हें तरीका पता है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? उस कैटमैन को मुझसे दूर करो। जन से ही हीरो हो। चलो दे दो। हाँ?
गेम प्लान को मत बिगाड़ो क्लाउस। मैंने जगह देखी थी कोच, मैं स्कोर कर देता। कर देता कर लेता, पर नहीं किया। मैं ये कर लूंगा, हमेशा करता हूँ। हे क्लाउस, तुम ठीक हो दोस्त? तुम प्रैक्टिस में बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। मेरे बर्ताव में कोई खराबी नहीं शेक। देखो मैं, मुझे जरा जल्दी सोना है, कल सुबह फिर दौड़ने जाना है। हे, मैं भी चलूंगा। नहीं शेक, रहने दो, अगर तुम आए तो हमें कोच से कौन बचाएगा? रूमी पावा? हाँ रूमी पावा। ठीक है रूमी, चलो देखें तुम आखिर कर क्या रहे हो। हाँ? क्लाउस कैटमैन है, पर उसने हमें क्यों नहीं बताया? अगली बार मैं उन दोनों को साथ में नहीं रखूंगा। शेक, क्लाउस, तुम दोनों अब तक तैयार हुए या? अभी आए कोच। बस अभी आए कोच। अंदर जाना बिल्कुल मना है, खास आदेश है। ओ, मैं क्लाउस का दोस्त हूँ। अच्छा, तो और भी खास आदेश, क्लाउस का दोस्त नहीं जा सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के लिए। तब तो सबसे खास आदेश, सुपर स्ट्राइकर्स बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है। अजीब है, मुझे क्लाउस से बात करनी होगी, पर कैसे? क्लाउस बेबी डार्लिंग, मैं देखने को बेकरार हूँ, आज तुम हमें कौन से नए कारनामे दिखाओगे? डॉग बॉय, तुम लेट हो फिर से, तुम कैटमैन जैसे क्यों नहीं बन सकते? क्लाउ, मेरा मतलब कैटमैन, क्या हम आप जरा बात कर सकते हैं? हे, तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो, तुम वर्कआउट करने लगे हो है ना? ओके, सब तैयार हो जाओ, तुम भी डॉग बॉय। हे, दरवाजा खोलो, मैं लेट हो जाऊंगा फिर से। अब तुम हद पार करने लगे हो चकला। अरे अभी कहा, अब हद पार करके दिखाता हूँ। वाह शाबाश डॉग बॉय, तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। कैटमैन, ओ कैटमैन, मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह क्लाउस, क्या चाल थी! तुम सबने देखा ना, मास्टर क्लाउस ने कैसा कमाल कर दिखाया। अभी मुझे गेम जीतना है। क्लाउस रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, ये मैं हूँ शेक। सब एक्टिंग बंद करो, क्लाउस अब जा चुका है। बहुत अच्छे टैक्टिकल डिवीजन। लगता है क्लाउस हमारे जाल में फंस चुका है। डॉग बॉय, कर्नल ने कहा एक्टिंग बंद करो, अब तुम अपना मास्क उतार सकते हो। मुझे पसंद है हर वक्त कैरेक्टर में रहना। मुझे ये अच्छा लगा, इसे कहते हैं आयरन टैंक से असली वफादारी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। दोनों टीम्स के लिए ये हफ्ता थकाने वाला रहा है, और मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसे होटल में रहना जिसमें सिर्फ एक ही चैनल हो। म्याँ 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 कैटमैन। मैं ये गाना सुन सुनकर पक गई हूँ। क्लाउस, तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैं आयरन टैंक के साथ क्या करने वाला हूँ।
और तुम्हारा रूममेट कहाँ है? मैं यहाँ हूँ कोच। क्लाउस, मुझे तुमसे बात करनी है। क्लाउस! सुपर स्ट्राइकर्स अपने पिछले कुछ गेम्स में बहुत ही अच्छा खेले हैं। क्या फाइटर और शेक अपना गोल करने का सिलसिला आज भी जारी रख पाएंगे? और गेम शुरू हो चुका है। मैं कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में जानता हूँ क्लाउस। डा, कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में सब जानते हैं। वो एक सुपरहिट शो है शेक। असल में वो कोई हिट शो नहीं है क्लाउस। वो तो सिर्फ यहाँ अल्पाइन में ही दिखाया जाता है। शेक को गोल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्लाउस को रोकने के बारे में नहीं। हाँ, अपनी जगह से हटकर खेलने का नतीजा सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ सकता है। तुम्हारा स्टाइल अजीब है, पर बात सही है। हमारी भी एक बढ़िया जोड़ी बन सकती है। मैं कैटमैन एंड ब्रेंडा। तो तुम मेरा राज जान गए, पर कैटमैन और डॉग बॉय मेरे लिए अपना असली हुनर दिखाने का मौका है। पर यही तो बात है क्लाउस, वो तुम्हारा असली हुनर नहीं है। चलो क्लाउस। मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीधा बैंगलर के हाथों में, किक में थोड़ा दम कम था। वाह शाबाश या नाइन, ऑपरेशन अल्टर ईगो कामयाब हुआ। हाँ सही कहा उबर सर, पर मजाक कर रहा हूँ। क्लाउस, कैटमैन और डॉग बॉय उस आयरन टैंक का कोई अजीब एक्सपेरिमेंट है। शायद तुम भी फाइटर जैसे ही हो, नाराज क्योंकि तुम गोल्स नहीं कर रहे। चलो भी यार। नहीं, इसने सही कहा, मैं नाराज हूँ। प्लीज मेरी बात मानो रूमी। अगली बार मैं गोलीबो के साथ रहूंगा। चलो भी, मेरे खर्राटे इतने भी बुरे नहीं हो सकते, है ना? क्लाउस मेरी बात नहीं मान रहा, पर मुझे पता है वो किसकी बात मानेगा। क्लाउस, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बॉल को पास करो डूड। हाँ, कम ऑन क्लाउस। यकीन नहीं होता, आयरन टैंक हमारे जीतने का सिलसिला तोड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसे कह रहे हो जैसे हम हार चुके हैं। हीरोज ऐसे काम नहीं करते। क्लाउस, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डॉग बॉय, ये मेरा फेवरेट शो है। शेक, अब ये मेरा फेवरेट शो नहीं है। और बिना देर किए लो, अब मिलो कैटमैन से। वो तुम कैटमैन हो? यकीन नहीं होता, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, फिर तो जरूर कोच चकलर हैं। दोस्तों, कैटमैन एक चाल है आयरन टैंक की। अरे नहीं, वो टीवी शो क्यों बनाएंगे? मैं खुद वहाँ था, मैंने ऊबर वॉन पुशअप सबको वहाँ देखा। सच में? कम ऑन। ओपरे, तो इसका मतलब मैं कैटमैन के रोल के लिए परफेक्ट नहीं था? क्लाउस, हर बार फुटबॉल खेलते हुए तुम एक हीरो होते हो दोस्त। डूड, आयरन टैंक तुम्हारे खेल से इतने डर गए कि तुम्हें रोकने के लिए उन्हें एक पूरा नकली टीवी शो बनाना पड़ा। यहाँ हम सब एक दूसरे के असिस्टेंट्स हैं, समझे? शेक, I'm sorry, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, और वो पाई तुम्हें लगा उसके लिए भी सॉरी। रूमी पावर? रूमी पावर। क्लाउस, क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी थोड़ी एक्टिंग कर पाओगे? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए फर्स्ट हाफ काफी मुश्किल था। चलो देखें वो ब्रेक में कोई नया पैंतरा सोच पाए हैं या नहीं। फिर से गेम शुरू। बस जोक्स। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक कर रहे हैं, क्या वो पिछले कुछ गेम्स का कमाल यहाँ फिर से दिखा पाएंगे? ऐसा तो तब होगा जब क्लाउस दोनों स्ट्राइकर्स को बॉल पास करने के बारे में सोचेगा। मैक, देखो, सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक के गोल की ओर बढ़ रहे हैं। क्लाउस, मैं यहाँ हूँ। चलो क्लाउस, बॉल पास करो। मैं ये कर सकता हूँ। अभी तो बीच में काफी जगह है। लगता है क्लाउस खुद ही गोल करने की सोच रहा है। मैक, नहीं, उसने तो पास कर दिया। इसे कहते हैं असली हीरो का कमाल।
जीत गए ब्रेंडा। वो क्लाउस खुद को समझता क्या है, उसने मेरे मूव चुराए। अब हम एक टीवी शो बनाएंगे जो होगा एक एक्शन ड्रामा, जिसमें होगे तुम। उसका नाम होगा अगर बचना है तो भागो, और शूटिंग शुरू होगी अभी। मैंने कहा था एंडिंग बेकार है। मुझे अब भी लगता है मैं सबसे अच्छा कैटमैन बनता। मैं बनूं या ना बनूं कैटमैन, बस यही एक सवाल है। जो भी हो डूड, तुम क्लाउस के सामने तो कुछ भी नहीं हो। क्या तुम इसे साइन करोगे बिल्कुल कैटमैन की तरह? जरूर। बस इसे खुद पर हावी मत होने देना, ओके? फिक्र मत करो, मुझे नहीं बनना है कोई सुपर हीरो, मैं पहले से ही एक सुपर स्ट्राइकर हूँ। हेलो, कोई है? मुझे भूख लग रही है। यार लिक्विडो, क्या हाल है दोस्त? तुम तो यहाँ फील्ड से भी ज्यादा स्लो हो, और तुम्हारे जोक्स तुम्हारी सर्फिंग से भी ज्यादा बेकार हैं। तो बताओ साथियों, क्या सब यहाँ की टूर के लिए तैयार हैं? स्टेडियम की तकनीकों में पिछली बार से काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। हमारा मकसद है लगातार कई महीनों तक पानी के नीचे रह पाना। समंदर के पानी से ऑक्सीजन निकाला जाता है। समुद्री पौधों से हमारे खाने को पोषण मिलता है। जब स्टेडियम नीचे होता है तो हम मून पूल से समुंदर में आते जाते रहते हैं। वो क्या है? Aquatic Propulsion Devices, उनका इस्तेमाल underwater maintenance के लिए किया जाता है। हम professionals उन्हें कहते हैं APD, इसलिए तुम पूरा नाम लोगे तो ही बेहतर है। और ये है हमारा सबसे नया आइडिया, ये बॉल हलचल से मिली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। शायद एक दिन हम यहाँ खेले जाने वाले फुटबॉल से ही पूरे स्टेडियम को चला पाएंगे। और आखिर में ये कंट्रोल रूम, यहीं से हम स्टेडियम के सभी ऑपरेशंस पर नजर रखते हैं, इसके डूबने और तैरने पर भी। अफसोस, यहाँ तुम्हें एक बेहतर प्लेयर बनाने का बटन नहीं है। ओ अच्छा? ओ हाँ। अरे छोड़ो। हाँ छोड़ो। शॉन, मैंने तुम्हें अपनी इस दुश्मनी को लेकर क्या कहा था? कोच डेलक्वा, कैटेगरी 5 तूफान आ रहा है। हमारा टूर खत्म करने का अच्छा तरीका है। अब आप सब दुनिया का 8वां अजूबा देखने जा रहे हैं। अर्सला, हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम है। वो अपनी रफ्तार से सामने वाले के डिफेंस को तोड़ देते हैं। अगर थोड़ी सी भी जगह छोड़ी तो वो उसका फायदा उठा लेंगे। डिफेंडर्स, तुम हर वक्त फॉर्मेशन में ही रहना, कोई रास्ता ना बचने पर ही टैकल का इस्तेमाल करना। फिक्र नॉट कोच, मैं तो उस लिक्विडो को धूल चटा दूंगा। ये गेम सिर्फ तुम्हारे और लिक्विडो के बीच नहीं है, तुम्हें एक डिफेंसिव यूनिट बनकर खेलना होगा। शेख, टाइगर, तुम डिफेंडर्स का जितना हो सके उतना साथ देना। गाइस, वाओ।
बहुत अच्छे डिफेंडर्स। वाह क्या बात है डूड। उनका डिफेंस काफी तगड़ा है, पर मुझे पता है वो कैसे कमजोर होगा। समुद्री पौधों का भरता, फ्यूचर के खाने का मजा लो। कहाँ है यम यम मछली वाली दावत? अब वो नहीं बनती, यहाँ के एयर टाइट एनवायरनमेंट में किसी को मछली हजम नहीं होती। मछली वछली भूल जाओ गोलीबो, मेरे पास उससे भी बेहतर कुछ है, ओशन बाउंटीज। टेंटिकल टिम इस मजेदार सीरियल को पाने के लिए कुछ भी करेगा, वो बाहर आ जाएगा गहरे अंधेरों से। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका स्वाद। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चीनी। ओह शा लिक्विडो। अफसोस हम यहाँ फंसे पड़े हैं दोस्त, वरना मैं तुम्हें कुछ सर्फिंग लेसन्स दे देता। चाहे कितना भी चारा डाल दो लिक्विडो, मैं नहीं फंसने वाला। अगर तुम्हें फंसाना है तो समंदर में कई मछलियाँ हैं। समंदर से याद आया, मैं एक नया एक्सट्रीम स्पोर्ट आजमा रहा हूँ, APD रेसिंग। काफी मुश्किल खेल, शायद तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा। मैं जानता था तुम एक चैलेंज को ना नहीं कहोगे। पूरे स्टेडियम का चक्कर काट कर वापस आना है, तैयार हो? चलो हो जाए। 3, 2, लिक्विडो। समुद्री पौधों की दावत अभी हाजिर है। टेंटिकल टिम इस मजेदार सीरियल को पाने के लिए कुछ भी करेगा, वो बाहर आ जाएगा गहरे अंधेरों से। अच्छी कोशिश थी डूड, पर मेरे सामने तुम्हारी एक भी चाल नहीं चलेगी। चीटिंग करने वालों के लिए लिक्विडो। टेंटिकल टिम जैसा कोई भी नहीं है। टेंटिकल टिम जैसा कोई भी नहीं। टेंटिकल टिम लिक्विडो, यकीन नहीं होता तुमने। अटेंशन, सारे प्लेयर्स फौरन पिच पर रिपोर्ट करें।
कोच बहुत नाराज होंगे जब उन्हें पता चलेगा तुमने क्या किया है। मान जाओ डूड, हम दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शायद हमें इस बात को राज ही रखना चाहिए। हाँ, अगर हम दोनों ही चुप रहें तो हो सकता है ये सब कुछ ठीक हो जाए। हमारा स्टार बोर्ड पावर कोर बिगड़ गया है, पर मुझे पता नहीं कैसे। मुझे पता है, मुझे यकीन है ये काम है टेंटिकल टीम का। तुम भी ना यार, इतना मीठा खाना बंद करो। इसका मतलब है हमारे पास वापस सतह तक जाने जितनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पर फिक्र मत करो, पावर कोर के ठीक होने तक आराम से स्टेडियम में रह सकते हैं। पर गेम में तो कुछ ही घंटे बचे हैं। तो फिर चलो खेलें। पर हमारे फैंस का क्या, वो मुझे सारे गोल्स करते हुए कैसे देख पाएंगे? वो मेरा काम है, जैस फुटबॉल 360 कैमरा क्रू। यस, हम चाहे जहाँ भी खेलें, मुझे यकीन है हमारे फैंस हमारे पीछे रहेंगे। शायद तुम्हारा मतलब है हमारे ऊपर। हम मैच दिखा रहे हैं सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम से। मेरा मतलब है उसके ऊपर से। हाँ ब्रेंडा, हाइड्रा का गजब का स्टेडियम भले ही समंदर के अंदर फंसा हुआ हो, पर आज का गेम वक्त पर ही शुरू होगा और हम आपको उसका हर एक पल दिखाएंगे हमारी वन वुमेन कैमरा टीम की बदौलत। हाइड्रा ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके सुपर स्ट्राइकर्स के मिडफील्ड को पार कर दिया। डिफेंडर्स पोजीशंस मत छोड़ना। क्या उनका डिफेंस उनके टीममेट से बेहतर काम कर पाएगा? हाँ, हाँ, और फिर से हाँ। शॉप ब्लॉक और ईगल आई अपनी जगह पर डटे हैं, पानी के अंदर होते हुए भी। उनका डिफेंस बहुत तगड़ा है दोस्तों, गोल करना बहुत मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, मुझे पता है शॉ को कैसे हटाना है। चलो शॉ, किसका इंतजार कर रहे हो? पोजीशन मत छोड़ना, मेरा सामना करो यार। वहीं रहो। क्या हो गया बच्चू, डरते हो तुम मुझसे फिर हार जाओगे जैसे तुम रेस में हारे थे? शॉन ने ये क्या किया, उसने अपने टीममेट्स को पूरी तरह लाचार बना दिया। हाइड्रा ने बहुत जल्दी खाता खोल दिया। लिक्विडो, डूड्स। कोच की जगह मैं होता तो शॉ को वापस बुला लेता। लगता है वो पूरी टीम को वापस बुला रहे हैं और शायद मुझे पता है क्यों। फ्लोटिंग स्टेडियम में छेद हो गया है। करेगा लेने के लिए मेरा सीरियल। लिक्विडो, ये सब तुम्हारी गलती है, हमें कुछ करना होगा, ये हमारे बस का नहीं है दोस्त। चलो भी, ये तुम्हारा होम ग्राउंड है, मैं कभी स्ट्राइका लैंड को नहीं छोड़ता। वैसे भी मुझे तो लगा था तुम्हें एक्सट्रीम चैलेंज अच्छे लगते हैं। हट जाओ, रास्ता दो। कीमती सामान है, दूर हटो। नो, यहाँ पर एक एपीडी कम है। टेंटिकल टीम, ले लो, ये सब ले लो, मॉन्स्टर कहीं के। तुम अब तक ये कितने खा चुके हो? 10 या 20 बॉक्स खा चुका हूँ। तुम मेरे दोस्त ज्यादा मीठा खाने से पगला गए हो। अगर टेंटिकल टीम ने ये सब नहीं किया है तो फिर किसने किया? हमने क्या?
हम एपीडी रेसिंग कर रहे थे और उसे स्टेडियम में क्रैश कर दिया। पर फिक्र मत कीजिए, आप सब वापस सतह पर चले जाइए, हम ये ठीक कर देंगे। और तुम बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये सब कैसे करोगे? हम दोनों के पास यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावर सोर्स है, हमारी दुश्मनी। हम बॉल को जितना ज्यादा किक करेंगे, हम उतना ही ज्यादा पावर बनाएंगे। यार इसके लिए तो हम दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर कोशिश करने में हर्ज नहीं है। हाँ, बहुत 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 ज्यादा कोशिश। शायद यहां से निकलने के लिए अब भी देर नहीं हुई। तुम दोनों कब सीखोगे? असली पावर टीम वर्क में होता है। हमें अभी अभी एक कमाल की खबर मिली है। वैसे सुपर लीग टीम्स अपना लेवल ऊंचा करने के लिए खेलती हैं, पर आज वो खेलेंगी पूरे स्टेडियम को ऊंचा लाने के लिए। और लगता है कि सब फैंस भी अपनी दुश्मनी भूल गए हैं। जाहिर सी बात है, आज या तो दोनों टीम जीतेंगी या दोनों टीम्स हारेंगी। पावर बॉल ऑनलाइन, और ये गेम शुरू। दोनों टीम्स जैसे बॉल पर टूट पड़ी हैं। पावर सप्लाई 15% है। सब लगे रहो। भले ही ये गेम सुपर लीग पॉइंट्स के लिए नहीं है, पर आज तक फ्लोटिंग स्टेडियम में इससे रोमांचक गेम नहीं खेला गया होगा। सो तो है, वो सभी उसे ही बचाने के लिए खेल रहे हैं। जाओ दोस्त। आज पहली बार मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ पर, वूहू, देखो, फ्लोटिंग स्टेडियम सतह पर आ गया है। अब मैं कुछ दिनों तक समंदर को देखना भी नहीं चाहता। सच कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता, मैं पागल सा हो गया था। टेंटिकल टाइम! तुम सही थे क्लाउस, ये चीज तो मछली की दावत से लाख गुना बेहतर है। मीठा मीठा।
हे, कमाल हो गया, टेंटिकल टिम सच में गहरे अंधेरों में रहता है इस सीरियल बॉक्स के। शॉन, लिक्विडो, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गड़बड़ की थी और तुमने सब ठीक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कर दिया दोस्त। हाँ, हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तो किसी को फाइनल स्कोर पता है? जीत हमारी हुई है। ओ प्लीज, हम पूरे गेम पर छाए थे, तुम तो भीगे बिल्ली की तरह खेलते हो। हाँ, मेरे पास लो, ये दोनों फिर शुरू कर रहे हैं। सुपर बात तो हम से कहना, क्या लेवल में होते हैं।